दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। थोड़ा सा जल्दी आया करो। हाँ ठीक है, ओके। तो बच्चे, मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि 17 सितंबर को ना आप लोगों का जो टेस्ट होगा, पार्ट टेस्ट ही है, कोई मेजर टेस्ट नहीं है, उसमें आईनिक इक्विलिब्रियम पूरा आ रहा है। एंड आई नो ये बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर है, आई नो। और हमारा अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा था कि 8 लेक्चर्स का तो आराम से है चैप्टर, है ना। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, और संडे को आप लोगों की 2 आवर की एक्स्ट्रा क्लास होगी बेटा। मेरे को कोई शौक नहीं है लेने का, बट ये जरूरी है लेना। जो यहाँ पे अभी जितने भी बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, उनको मैं बोल रही हूँ कि आपकी 2 आवर की संडे को क्लास रहेगी, क्योंकि इस संडे को आपका कोई टेस्ट नहीं है, इसी वजह से, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगी कि संडे के बाद आपका एक मंडे, मंडे को नहीं होता है ना क्लास आप लोगों का, ट्यूसडे को होता है और वेंसडे को होता है, वेंसडे तक ये चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूं। उसके बाद जो भी दिन बचेंगे, कोई नया चैप्टर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। क्योंकि आईने की प्रॉब्लम में एक अपने आप में ना अलग ही मतलब चैप्टर है, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा सारे चैप्टर में पता नहीं कौन सा फॉर्मा लग रहा है, किसी में भी आपको मतलब ऐसा लगेगा, फील होगा, लगता है हर साल बच्चों को कि मैम इसमें कॉमन आयन इफेक्ट वाला फॉर्मा लग रहा है, बफर सॉल्यूशन वाला लग रहा है, सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला लग रहा है, कौन सा फॉर्मा लग रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो ऐसे केस में बच्चे आपको ये करना है, अगर आपको 5 बार भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा, और ऐसा फील होता है, 70% स्टूडेंट को ये वाला फील होता है, तो अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर को देखने की नीड पड़ रही है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो देखना है वो। ये मत समझना कि हम कमजोर है, हम वीक है, हमें तो आता ही नहीं है, इसलिए हमें बार बार रिकॉर्डेड लेक्चर देखने पड़ रहे हैं। नहीं, देखो उसको, क्योंकि नहीं देखोगे तो वो हाथ से बिल्कुल ऐसा रेत की तरह फिसल जाएगा ये चैप्टर। समझ में आ रही है तुम्हें? ये चैप्टर ही ऐसा है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ देखना जरूरी है, तो मैं कहती हूँ 2x की स्पीड पे दोबारा देख डालो आईने की इक्विलिब्रियम जब आपका चैप्टर हो। क्योंकि क्लास में तो आपको हलवा लगेगा सवाल कि अरे बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन जब खुद करने बैठोगे, सारे क्वेश्चन जब मिक्स होंगे, तो थोड़ा बैंड बन सकता है। तो ऐसे केस में अपने कंसेप्ट क्लियर करके चलो, और ऐसे केस में मैं तो खुद सजेस्ट करूंगी कि आप कम से कम आईने इक्विलिब्रियम का आपने 2 बार, एक लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार देख रखा हो। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और यस इसको मैम, प्रिपेयर कैसे करना है, ज्यादा जेई के चक्कर में मत पड़ना, फंसोगे बुरी तरह, ठीक है। आपको पहले एनसीईआरटी करनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि यहीं से सवाल आ जाता है, यहीं से ही क्वेश्चन आ जाता है, जेई मेंस का भी और नीट का भी। जेई मेंस का तो थोड़े चांसेस कम रहते हैं, बट हाँ नीट का सवाल एनसीईआरटी की बुक में से ही आ जाता है, चाहे वो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, चाहे आप वो आपका इंडेक्स हो। उसके बाद आप जाएंगे नीट के पीवाईक्यूज करेंगे बेटा। मेरी मेरा फोटो नहीं दिख रहा है क्या? मैम नहीं। आ रहा हाँ, उसके बाद क्या करेंगे आप? नीट के पीवाईक्यूज करेंगे। ये करेंगे ना, तब आप समझ लेना हाँ आपने इतना कर लिया कि आपके नीट में अटेम्प्ट हो जाएंगे 16 नंबर आपके हाथ। समझ रहे हो? ये करने के बाद मैं तुम्हें और अपनी तरफ से क्वेश्चंस दूंगी क्या करने। अपने आप माथापच्ची मत करना, मॉड्यूल खोल के मत बैठ जाना, पहले ही कहीं पता चले मैं करा रही हूँ साथ में मॉड्यूल खोल के बैठो। नहीं, ये चैप्टर ऐसा है कि पहले आपको हर टॉपिक के इजी इजी सवाल करने पड़ेंगे, फिर अपना धीरे धीरे लेवल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन, फिर नीट के पीवाईक्यूज, उसके बाद मॉड्यूल को हाथ लगाएंगे आप सारे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। समझ में आई वो बात? यस मैम, ठीक है। और मैं ट्राई करूं, ट्राई क्या, मेरे को करके ही देना पड़ेगा। आईने की इक्विलिब्रियम के मेरे को वो बनाने पड़ेंगे फॉर्मूला शीट्स, मैं ही आप लोगों को बना के दूंगी। म्यूट कर लो बेटा। हाँ, मैं ही आप लोगों को बना के दूंगी कि कैसे फॉर्मूला पे अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत जरूरी है। वैसे तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप हर क्लास के बाद अपने जितना भी मैंने पढ़ाया है उनके फॉर्मूलाज को कंपाइल करके एक जगह पे लिख लो, ये आपका काम है वैसे, बट हाँ मैं करती हूँ, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम तो इसके आगे इसका कुछ था ही नहीं, बच्चा था, गिनती के बस 4-5 फॉर्मूले थे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले की भरमार है। समझ रहे हो?
और दिक्कत ये है कि फॉर्मूले तो चलो है ही है और पता ही नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा लगाएं, बफर वाला लगाएं, सोल्ट हाइड्रोलिसिस का लगाएं, कौन सा लगाएं, तो ये वाली प्रॉब्लम बच्चों के साथ रहती है। इसीलिए मैं कहूंगी एक लेक्चर को आपने कम से कम 3 बार देख रखा हो। अगर आप यहाँ से नहीं पढ़ रहे हो, मेरे से कवर नहीं कर रहे हो, तो अगर मान लो कहीं यूट्यूब से कर रहे हो या ट्यूशन से कर रहे हो, वहां पे भी सेम चीज आपको करनी ही पड़ेगी। यूट्यूब से कर रहे हो तो उनके भी आपको सेशन 2-3 बार देखने पड़ेंगे, और ट्यूशन से कर रहे हो तो वहां पे तो रिकॉर्डेड वाला सिस्टम नहीं होगा, आपको फिर भी मेरी मेरी या यूट्यूब के जो भी आप टीचर को फॉलो करते हो वो आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं, बिकॉज चैप्टर की डिमांड है, ये चैप्टर बोलता है ये करने को। समझ में आ रही है सबको इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस? Yes. वो हल्के में मत लेना इस चैप्टर को, अगर तुमने इस चैप्टर को हल्के में ले लिया ये ले लेगा तुम लोगों को हल्के में, पहले बता दे रही हूँ, ठीक है? तो मैं ट्राई करूंगी संडे को 2 घंटे की क्लास लेके ट्यूसडे और वेंसडे को ये चैप्टर खत्म करा दूं, मोस्ट ऑफ द चीजें खत्म करा दूं, फिर इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। अगर कोई छोटी मोटी चीज रह जाएगी तो हम वो क्वेश्चंस के थ्रू उसको कवर कर लेंगे। समझ में आ गया तुम लोगों को? यस मैम। यानी कि इसके बाद भी मेरे पास 2 ही दिन बचेंगे, एक फ्राइडे का और एक सैटरडे का। सैटरडे का तो तुम्हारा रिवीजन क्लास होता है, और फ्राइडे को भी मैं 1.5 घंटा इन क्वेश्चंस पे दूंगी। तो अपना टारगेट है कि अपकमिंग वेंसडे तक ये चैप्टर मैं कंप्लीट कराऊं, वो तभी पॉसिबल है जब मैं संडे की तुम्हारी 2 घंटे की क्लास लगाऊं, लगानी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आप आ जाना सारे जितने भी 30 बच्चे यहाँ पे बैठे हो, ठीक है जी? चलो। yes, ma'am. हाँ दिशा मैम, रेडॉक्स चैप्टर कब करवाओगे? रिडॉक्स चैप्टर देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैम कराओ तो तुम्हें एग्जाम के बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 17 को तो तुम लोगों का मेजर टेस्ट है, सॉरी पार्ट टेस्ट है, जिसमें आई नहीं दिखते। 17 को ही करा देना, आ जाएंगे। 17 को क्या है, संडे है, 17 को ही नहीं करवा सकती, क्योंकि एक दिन का नहीं है ना बेटा वो चैप्टर, 3 दिन तो कम से कम लगेंगे मेरे को। मैम वो सिलेबस में हमारे, हाँ तो इट्स ओके ना, सिलेबस में है। तुम लोग अगर तुम लोग खुद भी पढ़ रहे हो या टीचर जो तुम्हारा स्कूल में भी करा रहा है उससे भी करोगे तो आराम से हो जाएगा बेटा, इसमें तो वाली बात नहीं करा रहे। हाँ हम स्कूल में क्यों नहीं कराते, बस नोट्स दे देते उतारने के लिए, टॉपिक दे देते कि कल से रिलेटेड क्वेश्चन बता दूंगी, वो क्वेश्चन कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगी उसको चैप्टर को कराने का, बट अभी हमारा 17 तक टारगेट यही है बेटा, ठीक है? हाँ ठीक है, आई थिंक मुझे अभी स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? इस चैप्टर को जो मैंने एक एक बात बोली है ना अपने यहाँ पे फिट कर लो, अगर मेरी बात याद रखोगे इस चैप्टर को करते टाइम तो फायदे में रहोगे, वरना दुखी रहोगे, ठीक है? तो इससे बेटर है कि मेरे साथ ही कर लो ये चैप्टर, नहीं तो यूट्यूब पे ढूंढते रहोगे बेस्ट वीडियो फॉर एनी इक्विलिब्रियम फलाना ये फलाना, है ना? चलो ठीक है, ओके। लास्ट टाइम हमने क्या किया था बच्चे, एक बार फटाफट से आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ, एक बार मैं ग्रुप में भी मैसेज कर देती हूँ। राहुल आ गया है क्या? राहुल ज्वाइन किया क्या? हाँ 30 मिनट में तो कहीं नहीं मिलेगी तुम लोगों को। सुहानी आ गई है, अंजलि आ गई है, शिवांगी, चेतना, पीयूष आ गया है, ओके, वर्षा है, रिया है, आज भी बहुत, ज्योति भी आ गई, कनिका भी आ गई है, ओके। चलो लास्ट टाइम हम क्या कह रहे थे, फटाफट से देखो बच्चे, कहाँ पे लिखे अपन ने क्या कर लिया था, बेसिकली पीएच कर रहे थे, है ना? पीएच के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो पीएच में हमने क्या कर लिया था, पीएच को निकालने के तरीके सीखे थे, है ना? पीएच ऑफ स्ट्रोंग एसिड, वो बहुत सिंपल था और पेपर में आने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं उसके। अगर आपको स्ट्रोंग एसिड दे रखा है तो डायरेक्ट उस एसिड की कंसंट्रेशन आपको किसमें डालनी है, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन में डाल देनी है, अगर आपका एसिड स्ट्रोंग है तो। अगर बेस स्ट्रोंग दिया हुआ है तो पहले पीओएच निकाल लो, एंड यू नो वेरी वेल पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू, मैं रिवाइज आप लोगों के लिए करवा रही हूँ, समझ में आ गया? pH plus pOH क्या होता है, 14, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि pKW क्या होता है, minus log of kW, ये भी पता होगा आप लोगों को, pKW क्या होता है, minus log of kW, समझ में आया? अच्छा,
उसके बाद हमने बात की थी कि अगर मान लो आपके पास वीक एसिड आ जाए तो क्या करोगे। वीक एसिड में फिर हमें अल्फा वाला रोल लेके चलना पड़ता था। अगर आपका वीक एसिड मोनोप्रोटिक है तो अल्फा आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट Ka/C करके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है जी। और ध्यान रखना बच्चे, अगर आप मान लो स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस ले रहे हो तो उसमें हम जनरली वाटर की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट करते हैं। अगर वो 10^-6 से क्या हो बताओ, ज्यादा हो, है ना, जैसे 10^-5 हो, 4 हो, -3 हो, तो जनरली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो 10^-7 है ना, उससे कम है, 10^-8 है, तो वहां पे हम वाटर की कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, तो हमें उसकी कंसंट्रेशन को भी ऐड करना पड़ता है। क्या ये छोटी छोटी चीजें तुम लोगों को क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आए थे पीएच ऑफ मिक्सचर्स पे। मिक्सचर बोले तो अब मिक्सचर किसका होगा, एसिड का, बेस का, एसिड बेस का, इनका ही मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले किया था, आप लिखा करो, ये छोटे छोटे नोट्स बनाना सीखा करो वरना तुम लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगी। तो मिक्सचर ऑफ स्ट्रोंग एसिड हमने सबसे पहले लिया था। अगर आपके मान लो दोनों स्ट्रोंग एसिड हैं और वो मोनोप्रोटिक हैं, ठीक है, मतलब एक ही H प्लस दे रहे हैं सॉल्यूशन में, तो आप डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं M1V1+M2V2/V1+V2। अगर दो स्ट्रोंग बेस का मिक्सचर है तो आप सेम लगा सकते हैं M1V1+M2V2/V1+V2। वो क्या आ जाएगी, आपकी नेट OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी। फिर आप POH निकाल लेंगे, और अगर आपको pH निकालने के लिए बोल रखा है तो आप वो क्या करेंगे बच्चों, 14 में से माइनस कर देंगे। ये तो बात हो गई मिक्सचर ऑफ स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस। बेटा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर चुके हैं, शायद तुमने सुना नहीं है, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर चुके हैं। मैं ये कहूंगी, अगर तुम्हें वैसे नहीं आएगा समझ में क्योंकि तुमने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देख रखे हैं, तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि पहले अपने पहले वाले लेक्चर्स को कंप्लीट करो बेटा, ठीक है, तब समझ में आएंगी तुम्हें चीजें। अदरवाइज तो ऐसे लगेगा पता नहीं क्या ही चल रहा है क्लास में, ठीक है, ओके। हाँ मैम, लेक्चर्स मिलते हैं कहाँ से आपके लेक्चर्स? आप ग्रुप में ऐड हो गए हो बेटा, वहाँ पे ग्रुप में, ग्रुप डिस्क्रिप्शन के ऊपर वहाँ जाओगे ना, क्लिक करोगे तो वहाँ पे लिंक मिलेगा आपको केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का। यस मैम। उस पे क्लिक करो, वहाँ पे मेरे सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। यूट्यूब का लिंक भी दिया होगा मैंने ऊपर, मैं आपको बता भी दूंगी, मतलब अगर मुझे आप मैसेज कर देना, टेक्स्ट कर देना मेरे नंबर पे, मैं आपको बता भी दूंगी। क्लास के बाद थोड़ा डिस्कस करते हैं, अभी मैं लेक्चर ले लूं, है ना, ठीक है। अगर मान लो आपके पास स्ट्रोंग एसिड है, लेकिन मान लो वो, हाँ एग्जिट हो जाऊं मैं? हाँ एग्जिट कर सकते हो, लीव कर दो, ठीक है। अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा एसिड है जो डाइप्रोटिक है, जैसे मान लो H2SO4 है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? यस। ओके, अगर मान लो आपके पास एसिड और बेस का मिक्सचर हो तो उसमें क्या करोगे, उसमें आप पहले या तो ऐसे वाले कर लो, या तो यही वाला, मैं तो जनरली यही वाला करवाती हूँ कि आप पहले एसिड के मोल्स निकाल लो, बेस के मोल्स निकाल लो, देख लो किसके ज्यादा मोल्स है, क्योंकि जिसके ज्यादा मोल्स है वही सोल्यूशन में रहेगा, बाकी तो एसिड बेस को खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज करके वाटर, वो सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे करने हैं। अगर आप पूछोगे इन तीनों में से इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो ये वाला इम्पोर्टेंट रहता है, एसिड और बेस का नीट में पूछते रहते हैं सवाल, ठीक है जी, ठीक है। इसमें भी हमने कौन सा केस कंसीडर किया था, स्ट्रोंग, ध्यान से देखो इधर देखो, स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस का। क्योंकि पता बच्चे क्या होता है ना, जो इक्विलिब्रियम में जो कहानी होती है ना, वो वीक एसिड और वीक बेस वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, हम ये मान के चलते हैं, है ना। पंगा कहाँ आता है, वीक एसिड वीक बेस के केस में आता है, जहां पे डिसोसिएशन नहीं होता वहां पे फिर अल्फा आता है ना, अल्फा आता है, Ka आता है, तो वहां से ही क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने की एग्जामिनर क्वेश्चन करता है। इसमें क्या कॉम्प्लिकेट करेगा, वो नहीं कर सकता, उसमें वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इससे बनते ही सिंपल सवाल है, चीजों को सुनते जाओ समझते जाओ मैम क्या बोलती हैं डेली क्लास में, ठीक है। तो इसमें भी आप ये लगा सकते हैं फॉर्मूला, अगर आप लगाना चाहते हैं एसिड और बेस अगर दोनों स्ट्रोंग है, M1V1-M2V2V1+V2, देख लेना कंसंट्रेशन नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैं तो कहूंगी इस पे, मैं तो जल्दी क्या करती हूँ, मैं ये वाला प्रेफर करवाती हूँ बच्चों को कि ऐसे करके निकाल लो, ठीक है, ऐसे करके निकाल लो, फायदेमंद होके, ठीक है।
ओके फिर उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आई होप कि क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए हो, ये वाले आ गए थे कैसे करना है आप लोगों को। yes. ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रोंग एसिड लिया था, ये भी स्ट्रोंग एसिड के पीएच है, तभी हमने वो फॉर्मूला लगा दिया था M1V1। ठीक है, यहाँ पे डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला कि कितना पानी ऐड किया, कितना डाइल्यूट किया, तो आपको पता है ये कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मोलारिटी इक्वेशन लगानी है M1V1 M2V2। ठीक है, फिर ये अपने कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे ये देखो इनमें से कौन सा सोल्यूशन की पीएच 1 के आसपास है, तो आप पहले देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है वो चेक करो। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस, स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस, स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस, तो बस तो लगा दिया वो वाला फिर। ठीक है, जैसे ये देखो एसिड और बेस, इसमें क्या पूछा था, पीएच और पीओएच आपको दे रखा था, वॉल्यूम दे रखा था आपको, कंसंट्रेशन निकाल के मोल्स निकाल के सोल्व करना था इसको। ठीक है जी, इतना हो गया था बच्चों। चलो अब मैं आपको कॉमन आयन इफेक्ट दोबारा बता देती हूँ, कॉमन आयन इफेक्ट मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ठीक है, सुनो क्या बोल रही हूँ, कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेसिस के केस में देखेंगे। बेसिकली क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर मान लो आपके पास कोई वीक एसिड है, कोई वीक बेस है ना, तो आपको पता है वीक एसिड का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो कम होता है, क्योंकि वीक एसिड होता है तो वो फुल डिसोसिएट नहीं होना चाहेगा। जैसे मान लो CH3COH है, तो ये इसमें नहीं टूटना चाहेगा, नहीं ब्रेक होना चाहेगा, हाँ या ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज तो इसी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ही रह जाता है ना, यानी कि इसका अल्फा क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि वीक एसिड का अल्फा जो होता है वो 0.05 से कम होता है, मतलब 0 और 1 के बीच में होता है, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, क्योंकि वो डिसोसिएट ही नहीं हो रहा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम ऑलमोस्ट कितना मान लेते हैं कि वो 1 के बराबर ही है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट का कैसे हम पता लगाएंगे, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो दिमाग कैसे लगाएंगे कि कॉमन आयन इफेक्ट यूज हो रहा है। तो ध्यान से सुनना बच्चे, अगर आपके पास वीक एसिड है या वीक बेस है, अगर आप उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हो, चाहे तो वो स्ट्रोंग एसिड हो, चाहे वो स्ट्रोंग बेस हो, या कोई ऐसा सोल्ट हो जो कि स्ट्रोंग हो, ठीक है, तो उसके आने से क्या होगा, जो इसका डिसोसिएशन है पहले ही कम था, उसके आ जाने से क्या हो जाएगा, और ज्यादा क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, और ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। यही बताया था मैंने। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या लिया था, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मान लो आपके पास एसिटिक एसिड है, तो ये देगा CH3CO नेगेटिव और H प्लस देगा, और ये आपके पास क्या है, सोल्ट है, स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग है कि नहीं है सोल्ट, क्यों, देखो स्ट्रोंग बेस से आया हुआ है, Na का मतलब क्या है, NaOH से आया हुआ, गेटिंग माई पॉइंट, तो अब आपने इसको डिसोसिएट किया, तो सोल्यूशन में क्या हुआ, आपने एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, पहले तो मस्त मजा था, मस्त मजे से इक्विलिब्रियम था, इतनी थी, लेकिन आपने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने से कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड में, मतलब वो पहले ही उसको क्या हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, पहले ही वो इसमें नहीं जाना चाह रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब आपने और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने से तो बिल्कुल रिएक्शन ना के बराबर कर दी, मतलब अब तो ये बिल्कुल भी नहीं देना चाहेगा, ना के बराबर देना चाहेगा, समझ में आया, यानी कि स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट डालने की वजह से जितना अल्फा पहले था वीक एसिड का, और भी क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ भी करके दिखाएंगे, ये एक और एग्जांपल था। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ये लो ट्राई करते हैं, इसको मैं ही करवाऊंगी, देखना मैम कैसे करा रही है। तो 26 स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही गंदी बात है, 30 बच्चे भी नहीं आज क्लास में। ठीक है, चलो नवनीत जानवी है क्या, चेतना, नवनीत जानवी चेतना, चेतना है, नवनीत नहीं है, जानवी नहीं है, ओके, वर्षा एंड प्रियंका, यस मैम, ओके बेटा, ठीक है ठीक है, तुम तो रेगुलर हो, ठीक है, ओके आ जाओ। अब ध्यान से सुनना मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ क्वेश्चंस को, डेली देखना, डेली आप फील करो कि मैम आप तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, लेकिन हम डेली क्या है, कुछ ना कुछ मतलब क्लास में चीजों को कंपाइल कर देंगे कि भैया ये आया तो पफर वाला लगेगा, ये आया तो सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाला फॉर्मूला लगेगा, ये आया तो कॉमन आयन इफेक्ट वाला कंसेप्ट लगेगा, जैसे कि ये,
आ जाओ इधर बच्चों, आपको बोला है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। व्हाट इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन? मतलब अल्फा, अल्फा हाँ या ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल दो या डिग्री ऑफ, देखो आराम से समझो, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है किसका, ऑफ 0.02 मोलर एसिटिक एसिड। व्हाट इज एसिटिक एसिड? दिस इज योर एसिटिक एसिड व्हिच इज वीक एसिड। हाँ जी बोलो। Yes, और जहां पे भी जो चीज वीक होती है, जैसे मान लो वीक एसिड है तो उसका के ए पक्का दिया होगा, अगर बेस होगा वीक वहां पे के बी की वैल्यू दी। जनरली के ए के बी हम किस मतलब के ए और के बी आपके वीक एसिड वीक बेस के लिए ही वैल्यूज लिखी जाती है। इतना समझ में आया? यानी कि पहला पहला क्या है आपको अल्फा निकालना है, के ए दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दी हुई है, तो फॉर्मूला लगा दूं मैं? फॉर्मूला कौन सा यूज होगा बच्चों? वीक एसिड है, हाँ वेरी गुड, वीक एसिड है, मोनोप्रोटिक है, तो मैं ये लगा दूं अल्फा इज इक्वल टू के ए बाय सी। यस मैम। ठीक है, के ए कितना है 1.8 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 और ये कितना है 0.02। क्या इसको सॉल्व करके मुझे बता सकते होगा कितना आएगा? ये आ जाएगा 2 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 2। इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा, करोगे क्या? या देखो मैंने कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी हमारे लिए। ओके, मैंने भी नहीं किया हुआ है सोल्व। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है, समझ गए? 3 × 10 की पावर 3 × 10 की पावर माइनस 2 माइनस 2 आ रहा है। यस मैम। चलो मैं मान रही हूँ तुम बोल रहे हो तो ये आ रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, इधर आओ। उसके बाद यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म, अल्फा हमारा निकल जाएगा। व्हाट वुड बी द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वो पूछ रहे हैं, फिर से पूछ रहे हैं, अल्फा बताओ, लेकिन इफ द सॉल्यूशन आल्सो कंटेन्स 0.01 मोलर सोडियम एसिटेट। मतलब अब आपको अल्फा तो बताना है, लेकिन उन्होंने एक ट्विस्ट क्या ला दिया कि अब सॉल्यूशन में क्या है बच्चा, सोडियम एसिटेट भी है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस यस मैम। यानी कि अब इधर आओ, CH3COOH का मैं डिसोसिएशन करवाऊंगी तो मुझे मिलेगा CH3COO नेगेटिव और H प्लस। इनिशियली हम बोलते हैं C है कंसंट्रेशन 0.0, C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। अब मैं ये तुम्हें समझाने नहीं बैठूंगी, मैं ऑलरेडी पता नहीं कितनी बार बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके लिए बच्चे अगर मैं के ए की वैल्यू लिखूं तो क्या लिखूंगी, CH3CO नेगेटिव H प्लस डिवाइड बाय CH3COH, बोलो जी हाँ या ना? Yes. अच्छा जी, क्या मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे सी अल्फा लिख दूं? नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि अब मेरे पास क्या है, ये ऊपर वाला मैं हटा दूं, ये तो तुम कर ही लोगे है ना? Yes, हाँ, क्योंकि अब मेरे पास सॉल्यूशन में क्या है बच्चे, सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसिटेट क्या होता है, CH3COONA, दिस इज योर सोडियम एसिटेट। इसको जब आप डिसोसिएट करोगे तो ये मिलेगा, हाँ के ना? Yes. और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.0100, जब ये जीरो रह जाएगा तो ये 0.01 ये बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ये स्ट्रोंग है। Yes. क्योंकि स्ट्रोंग बेस से आया ना ये NOH से। अब यहाँ पे क्या आप सी अल्फा रखोगे? नहीं, क्योंकि अब सोल्यूशन में ये भी है और ये भी है, दोनों की कंसंट्रेशन आ रही है, इसकी एसिटिक एसिड से आ रही है और इसकी सोडियम एसिटेट, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगी, सी अल्फा प्लस 0.01। अगर ये चीज समझ में आई है तो थम्स अप दो, क्योंकि अब सॉल्यूशन में दो एसिटेट आयंस की कंसंट्रेशन है, एक तो जो यहाँ से आया वीक एसिड से, एक यहाँ से आया सोल्ट से, तो आप उसको रखोगे ना, यहाँ पे सी अल्फा नहीं रख सकते हो, गलत हो जाएगा, यहाँ पे लग गया कॉमन आयन इफेक्ट। Getting my point or not? Yes. चलो, आप समझ आ गया? अब देखो इसको कितना simplify करती हूँ मैं। ध्यान से सुनना। देखो बच्चे, KA की value ना, ये तो कहीं पे लिख लो। Generally NEET में तो ऐसे ही करते हैं। Generally NEET में ऐसे सवाल आते हैं जिसमें KA की value आपको 1.8 into 10 to power minus 5, बहुत छोटी value है, बहुत छोटी value, तो इसका alpha भी बहुत छोटा आएगा। तो हम क्या करते हैं, सी अल्फा को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं एज कम्पेयर टू 0.01 के कंपैरिजन में, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी आएगी। जब आप अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे
सी से तो वो बहुत छोटी आएगी, बहुत छोटी, ठीक है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेट 1 लिख दे, देखो हाँ या ना, ऐसे काम हमने बहुत किए हैं, बहुत किए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इधर देखना, तो हम यहाँ पे कर देंगे कि के ए क्या हो जाएगा मेरे पास 0.01 क्योंकि दी हुई थी, इंटू सी अल्फा डिवाइड बाय सी, सी से सी कैंसिल, तो मेरे पास अल्फा क्या आ जाएगा, के ए बाय 0.01 आ गया कि नहीं आ गया। Yes, यही नहीं, यही हमसे नई वाली अल्फा पूछी थी कि अल्फा बताओ जब आपने सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग सोल्ट भी डाल दिया, तो बस अब के ए की वैल्यू मेरे बच्चों को पता ही है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 10^-2, तो ये आ जाएगा 1.8 × 10^-5 -3, और वो कितना बताया था तुमने पहले 3 × 10^-2, देख रहे हो कम हो गया, अल्फा की वैल्यू कम हो गई, देखो इधर आओ, yes, देखो हो गई कम, यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आपका अल्फा जितना पहले आना चाहिए था उससे और भी क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर हुई ये बात सबको? अभी और क्वेश्चन करें, मन तो नहीं भरा होगा आप लोगों का। चलो ये वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, करो इसको, करो, ठीक है। देखो देखो, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पकड़ोगे ना तो हो जाएगा। उसके लिए ना आपको बार बार आयनिक इक्विलिब्रियम कम से कम 11th क्लास में आपको 7-8 बार पढ़ना पड़ेगा आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, इतनी बार पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं नहीं कह रही, अभी तो पेपर दोगे तुम लोग, अभी तो शायद टेस्ट टेस्ट के लिए पढ़ोगे, वैसे तुम्हें 7-8 times पढ़ना है, ठीक है बच्चों। जब अपना सिलेबस हो जाएगा तो अपा क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन रखेंगे सारे चैप्टर्स का, कम से कम हो जाएगी अपनी एक बार और रिविजन हो जाएगी, लेकिन अभी तो फिलहाल यही करते हैं। आज हो जाए, ओके। क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मतलब अल्फा निकालना है, किसका निकालना है, 0.05 molar एसिटिक एसिड का। ये तो समझ रहे हो ना, कंसंट्रेशन दी हुई है, बताओ भाई सारे बच्चे क्या ये समझ में आ रही है, कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे पीके में, ये पीके क्या होता है भाई, ये पीके क्या होता है, हमने तो देखा है कि हर जगह के लिखा हुआ है ना, आपका आदत क्या है के देखने की। इधर आओ बच्चे, इधर आओ, जब इधर लिख लो, जब पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस और पीओएच होता है माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव और पीकेडब्ल्यू होता है माइनस लॉग ऑफ केडब्ल्यू, तो पीके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस लॉग ऑफ के ए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एक काम की बात बताऊं, इधर आओ, हालांकि इसमें लॉग और एंटी लॉग तुम्हें आना चाहिए, मतलब यूज होगा, तो मैं तुम लोगों को एक वीडियो भेजूंगी जिसमें लॉग और एंटी लॉग डिटेल में समझाया हुआ है, मतलब वो यूट्यूब की वीडियो है, बहुत अच्छी बनी हुई है वो, जिस भी टीचर ने बनाई है, तो वो मैं आपको भेजूंगी, आप फ्री टाइम में देख लेना लॉग एंटी लॉग कैसे निकलता है, बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, 1 घंटे का सेशन रहेगा, ठीक है। चलो अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं पड़ रही, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे आपको क्या दिया हुआ, पीके दिया हुआ है 4.74, तो पीके क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के, ठीक है, तो आपको के ए निकालना है, तो क्या चला जाएगा 10^-4.74, देखना आप, यही मतलब है इसका। yes, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लर्न करो, इसकी आती है वैल्यू 1.8 × 10^-5। मैम ये वही तो वैल्यू है जो हमें इतने सारे क्वेश्चंस में दी जाती थी, याद करो, ये जल्दी वही है ना, ऐसा जानी पहचानी सी वैल्यू नहीं दिख रही। yes, तो यही होता है, ठीक है, इसका पीके मैं तो कहती हूँ डायरेक्ट लर्न ही कर लो, फायदे में रहोगे, बार बार दिखेगा तुम लोगों को ये, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो जी, क्या करना है, इसको हटा दूं? चलो देखो, मैं जो बोलती हूँ ना हटा दूं, तो मतलब आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना चाहिए उस चीज को। चलो सबसे पहले हम क्या निकाले, अल्फा निकाले, निकल जाएगा मैम ये तो, अल्फा इज इक्वल टू √KA/C, ये तो हो जाएगा मेरे स्टूडेंट से, सबसे हो जाएगा। yes, मैम। चलो अब वो कह रहे हैं, हाउ इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्टेड व्हेन इट्स सॉल्यूशन इज आल्सो, आपके सॉल्यूशन में अब HCl भी है, क्या करें, करें फटाफट से फटाक। yes. चलो चलो मेरे से पहले आप लोगों कर लेना, मेरे से पहले आप लोग कर लो, चलो
मैं भी करती हूँ, तुम भी करो, मजा आएगा, मजा आ जाएगा। इनिशियली पता ही है तुम लोगों को, एट इक्विलिब्रियम पता ही है तुम लोगों को, है ना। के ए क्या करूं, के ए क्या करूं, लिखो भाई के ए। एक चीज बताऊं, कॉमन आयन इफेक्ट वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, तुम्हें वीक एसिड की भी कंसंट्रेशन दी रखी होगी और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, या कोई सोल्ट हो जो कि स्ट्रॉन्ग हो, दोनों की कंसंट्रेशन गिवन है। अभी आगे आज मैं तुम्हें सोल्ट हाइड्रोलिसिस भी करवाऊंगी, वहां पे एक अलग चीज समझ में आएगी तुम लोगों को, पहले ये कर लेते हैं। तो क्या होगा बच्चे, सी अल्फा, क्या सी अल्फा रखूंगी यहाँ पे? नहीं मैम, अब इसमें एच प्लस भी तो है, ये देखो इसमें एच प्लस की भी तो कंसंट्रेशन आएगी जो कि कितनी है 0.01, तो आप यहाँ पे सी अल्फा नहीं रख सकते हो, ये रखनी पड़ेगी आपको। हाँ या ना? यस, बस तो खत्म। अब देखो ना मेरी के ए की वैल्यू कितनी छोटी सी है, जानवी बेटा जल्दी आया कर, आधी चीज तो मैं करा चुकी होती हूँ, है ना, फिर कैसे समझ में आएगा बेटू तुझे, ठीक है। तो के की वैल्यू बहुत छोटी है, मतलब मैम हम समझ गए अल्फा की वैल्यू भी बड़ी छोटी आएगी जब यहाँ से हम निकालेंगे, है ना। के की वैल्यू छोटी है तो अल्फा की भी तो छोटी होगी, कॉमन सेंस। तो हम क्या करेंगे, सी अल्फा प्लस 0.01 को हम 0.01 मान लेंगे और 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेट 1 मान लेंगे। तो मैम ये तो बहुत सिंप्लीफाई कर दिया आपने हमारे लिए, देखना इधर C से C कैंसिल, के ए आ जाएगा। अब एक बात, ये बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकती है कि मैम हमेशा आप नेग्लेक्ट करोगे क्या, क्या कभी ऐसा नहीं होगा कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़े, है ना, और वो वाला जो मैथ्स में वो फॉर्मूला सीख के आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, याद आ रहा है 10th क्लास में पढ़ा था हमने। yes, तो मैम वो हमें कभी नहीं लगाना, मैं कहूंगी नहीं लगाना, क्योंकि नीट में आता ही नहीं है और जेई मेन्स वाले भी नहीं देते हैं। जेई एडवांस में कई बार क्वेश्चन पेपर को भयानक बनाने के लिए वो दे देते हैं, बट नीट लेवल, जेई मेन्स लेवल, जेई मेन में भी एक बार आया हुआ है, बट मैं नीट के जो मेरे बच्चे हैं आपको नहीं करना है। वो तब होता है जब मान लो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत कम हो, जैसे ये तो बहुत ज्यादा है ना 10^-2, अगर मान लो 10^-4 हो, -5 हो, तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इसको, फिर बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तो ऐसा नहीं होगा, 99.999 केस में ये नेग्लेक्ट ही होगा हमेशा की तरह, और नीट में तो मैं बोलूंगी 100%, आज तक सवाल नहीं आया ऐसा, क्योंकि नीट में क्वेश्चन फ्रेम इस तरह से किया जाता है कि बच्चे 15-20 सेकंड में वो क्वेश्चन कर लें। अगर वो वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें क्वाड्रेटिक बनानी है, फिर तो तुम 10 मिनट लग जाएंगे हमें, यानी कि फिर वो एग्जामिनर क्या चाह रहा है आपसे कि वो क्वेश्चन क्या कर दो, आप स्किप कर दो। हाँ जी, समझ में आया, चलो yes, अब इसको फटाफट अल्फा निकालो, के ए बाय 0.01 निकल जाएगा। आपको दिया हुआ, हाँ आपको के ए दिया हुआ है। एक चीज बताऊं, एक शॉर्टकट बनाए इससे, आपने एक चीज नोटिस की, मैंने कॉमन आयन इफेक्ट के केसेस में जो अल्फा मैं निकाल रही हूँ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, वो क्या आ रहा है, के ए बाय, और नीचे किसकी कंसंट्रेशन आ रही है, जो आपको क्या दे रखी हो, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन दे रखी हो, वो आ रही है। जैसे इसमें भी देखो CH3CO नेगेटिव की आई, इसमें भी देखो जो कॉमन आयन है H+ उसकी कंसंट्रेशन आई, समझ गए। एक चीज बनाए फिर, इन कॉमन आयन इफेक्ट, इन कॉमन, ऐसे बनते हैं शॉर्ट नोट्स, इन कॉमन आयन इफेक्ट क्वेश्चंस, जो न्यू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा, न्यू डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा, वो क्या आ रहा है हमारा, मान लो अल्फा डैश दिखा रही हूँ, के ए बाय कॉमन आयन स्पीसीज, लो भाई बन गया जी, लो भाई हो गया, कर दिया डिकोड, खत्म। देखो जी, खत्म। चलो अब इस ट्रिक से आप क्वेश्चन करना, करवाऊं, चलो लिखो एक बार, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की कंसंट्रेशन तुम लोगों से पूछी है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCN जिसकी कंसंट्रेशन तुम्हें 0.2 मोलर दी हुई है, K की वैल्यू दे रखी है 4×10^-10, विद KCN की कंसंट्रेशन दी हुई है 1 mol/L। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब क्वेश्चन तो यही है, लेकिन वैल्यूज ये नहीं है, वैल्यूज थोड़ी सी इससे
पॉइंट पॉइंट फ्रैक्शन फ्रैक्शन में थी, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाने के लिए बच्चा ये कर दिया, ठीक है। अब HCN तो मेरे बच्चों को पता है, वीक एसिड होता है, कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसको नहीं पता? पहली क्लास में रट्टे मरवाए थे मैंने सारे, है ना। और KCN क्या है? सोल्ट है, क्योंकि वो स्ट्रोंग बेस से आ रहा है के, ठीक है, तो स्ट्रोंग सोल्ट है, ठीक है। अभी किसने ज्वाइन किया, अभी किसने ज्वाइन किया क्लास को, सच्ची सच्ची बताओ तन्नू बेटा, मैं तेरे को याद करती हूँ रेगुलर आकर। मैम इसमें H प्लस साइन की कंसंट्रेशन कम होगी ना? हाँ, H प्लस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। थोड़ा ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ कैसे करना है। चलो करूं मैं स्टार्ट क्या? देखो अब इसमें ना अल्फा तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन H प्लस के आयन की कंसंट्रेशन भी आपको निकालनी पड़ेगी। हाँ जी बोलो, करके दिखाऊं? यस मैम। KCN का तो दे नहीं रखा। क्या नहीं दे रखा? कंसंट्रेशन दे तो रखिए, 1 mole per liter। बगौन चाटा, ठीक है। चलो करो फिर मैं करके दिखाती, समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस मैम। हाँ, बस थोड़ा सा एक्चुअली ना मेरा शेड्यूल ऑलरेडी हेक्टिक चल रहा, नहीं तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने में बहुत माहिर हूँ बच्चों की, ठीक है। तो अपना एक बार थोड़ा सिलेबस ना ट्रैक पे आ जाए तो मैं रिवीजन सेशंस भी रखूंगी आप लोगों के, क्योंकि 11th थोड़ा सा, 11th की जो केमिस्ट्री है वो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी का तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है केमिस्ट्री वगैरह से, तो रखेंगे। लेकिन उसके लिए अपा को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिलेबस आगे लेके जाना पड़ेगा। एक बार ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाए ना, फिर मेरे को तसल्ली हो जाएगी कि हो जाएगा, फिर तसल्ली हो जाएगी। लिली बेटा, आपने ऑफिशियली ग्रुप में ऐड हो गए हो क्या आप? मैं मुझे भी केमिस्ट्री से बात करी, वो कर देगी। हाँ, पी ब्लॉक एस ब्लॉक 11th में ही है, लेकिन वो आपके स्कूल के एग्जाम्स में, अरे बहुत ही पुच्चे चैप्टर हैं। आपने आयनिक इक्विलिब्रियम जैसे इतने, वो बोलते हैं ना, इतने भयंकर चैप्टर्स को कवर कर ले, तो वो आपको इसके कुछ भी नहीं लगेंगे, बहुत इजी लगेगा वो आपको, ठीक है। चलो मैं करवाती हूँ, आ जाओ। वीक एसिड है मैम, हमेशा आप ऐसे लिखते हो, मैं तो ऐसे ही लिखती हूँ और आपको भी कहूंगी लिखो ऐसे, ठीक है। चलो हाँ जी बोलो, कोई कुछ कह रहा है? ये एक नया स्टूडेंट ज्वाइन किया है क्या, क्या नाम है? ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे, इनिशियली C00 C-C-अल्फा C-अल्फा, है ना जी? बोलो। यस मैम। तो अब K A क्या लिखेंगे? K A C अल्फा, क्या इसको मैं C अल्फा लिखूंगी क्या? नहीं मैम, C अल्फा प्लस C अल्फा। देखो अब इसमें कॉमन आयन कौन है? CN नेगेटिव है ना, तो यानी कि आपको लिखना पड़ेगा सी अल्फा प्लस वन। बोलो हाँ के ना? यस मैम। तो इसमें भी वही कर दे, अरे ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, तो इसको तो नेगलेक्ट करके आप वन लिख दो और वन माइनस अल्फा को ये कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सी अल्फा इंटू वन बाय सी, तो यानी कि के किसके बराबर आ गया, अल्फा के बराबर आ गया, यानी कि अल्फा की वैल्यू देखो कितनी छोटी आ गई कॉमन आयन की वजह से, देखना बहुत ही छोटी है बच्चों, समझ रहे हो? क्वेश्चन को आसान करने के लिए मैंने वन दे दिया, वो डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो गया, है ना, ठीक है। तो के अल्फा की बराबर आ जाएगा, आप इससे भी निकाल सकते थे अल्फा की वैल्यू के बाय कॉमन आयन स्पीसीज कौन सी है, वो सी एन नेगेटिव की कंसंट्रेशन लिखनी थी, आप ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको क्या निकालना है, एच प्लस निकालना है, तभी मैंने ये एक्सप्रेशन आप लोगों को लिखवाया। एच प्लस क्या है बच्चों? सी निकल जाएगा, एच प्लस की कंसंट्रेशन सी अल्फा है। क्या तुम्हारे पास सी है? यस मैम है। कितनी है? 0.2। ये वाली तो नहीं लोगे ना कंसंट्रेशन, इसकी लेनी है भाई एसिड की, है ना। देखो आपको क्या बोला है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन ऑफ HCl, राइट। अच्छा अल्फा निकाल लिया, यस मैम निकाल लिया, बस खत्म हमारा क्वेश्चन हो गया। चेक करो 8 × 10⁻¹⁻ आ जाएगा। हाँ लक्ष्य मैम, उसमें हमने KCN ऐड करा तो CN की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रिएक्शन पीछे गई, तो हाँ। H प्लस भी तो कम होगा ना फिर। हाँ तो H प्लस करेंगे ना,
हाँ हाँ बोलो बोलो H प्लस क्या? हाँ H प्लस कम ही तो है, अल्फा देख ना बेटा कितना कम है। ओके मैम, तुम एक चीज देख पा रहे हो इधर आओ, अगर मान लो ये केसीएन ना होता तो हम ये वन थोड़े ना लेते, फिर तो कुछ और ही वैल्यू आती, अल्फा की इससे ज्यादा आती है ना। बट अब हमारा अल्फा क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो देखना जब सी को मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगी तो जितना आना चाहिए था एच प्लस की उससे भी कम कंसंट्रेशन आएगी। क्यों? क्योंकि अब इक्विलिब्रियम क्या जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा, एच प्लस की कंसंट्रेशन सप्रेस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग सोल्ट। ठीक है, अब पता नहीं ये वाली जो मैंने लाइन बोले कितने बच्चों के सर के ऊपर से गई। ठीक है, चलूं आगे। यस मैम, चलो एक और क्वेश्चन करो, एसीटेट वाला हो गया था। हाँ एक और क्वेश्चन करो, लिखो बच्चों, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव इन 0.4 मोलर NH4OH। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को ये तो आइडिया लग ही गया होगा कौन सा वीक एसिड है और कौन सा वीक बेस है। सॉल्यूशन हैविंग 5.35 ग्राम NH4Cl इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन। आपको के ए की वैल्यू दी हुई है, सॉरी के बी की वैल्यू दी हुई है NH4OH के लिए, क्योंकि बेस है तो इसलिए के भी आया है यहाँ पे। कितनी दी हुई है? 1.8 × 10⁻¹⁵। निकालना क्या है? अब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है। क्वेश्चन को समझे? Yes, ma'am. अब उसने देखो NH4Cl की कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, आपको निकालनी पड़ेगी। नाइट्रोजन का मास दिया हुआ उसने 14, हाइड्रोजन का 1 मोलर मास और क्लोरीन का दिया हुआ 35.5। चलो हो जाए शुरू, रट्टा नहीं मारना चीजों का क्योंकि आगे चीजें और वो हो जाएंगी थोड़ा सा। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है, ये क्या है मेरे पास? वीक बेस है, इसमें क्या डाल दिया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है ना। NH4Cl क्या है? स्ट्रॉन्ग है ना सोल्ट, क्योंकि ये Cl जो है वो कहां से आया होगा? HCl से आया होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का हो वो सोल्ट, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है। समझ गए? यस मैम। हाँ एक एक दो बच्चों का आ रहा है। यस मैम, आयशा, दक्ष, खुशवाज, यशिका, तन्नू, सुहानी, चेतना, दिशा, दिशा यादव, नवनीता, दक्ष, महक, प्रिया, ओके ग्रेट, दीप्ति, ओके वर्षा, प्रियंका, तन्नू, सबका ले लिया क्या नेम? चिंकी, मंतशा नहीं आई ना, चलो आ जाओ, मैं करवाती हूँ। करवाऊँ क्या? चलो मैं करवाती हूँ, तुम में से तो दो तीन बच्चे ही करेंगे बस। मैंने हाँ। करा है मल्टीप्लाई नहीं करा उसकी, कोई नहीं। तो NH4OH है, देखो मैं तो वीक बेस आते ना डायरेक्ट ये कर देती हूँ। देखो क्या करूं, NH4+ OH नेगेटिव, कोई बात नहीं, जिसका हो गया अच्छी बात है। इधर आओ, क्या करेंगे अब यहाँ पे भाई? इनिशियली C00 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो KB क्या लिखूंगी बच्चे मैं, क्योंकि बेस है तो KB डिफाइन करूंगी, तो क्या होगा? सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइड बाय सी वन। क्या ये मैंने ठीक लिखा है गलत? बताओ कौन बताएगा? मैम गलत लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, NH4Cl किसमें डिसोसिएट हो रहा है? NH4+Cl नेगेटिव में। तो अब इसकी कंसंट्रेशन तो हमें डायरेक्ट तो दे नहीं रखी, निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे कंसंट्रेशन? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास, इसका मोलर मास निकालोगे 53.5 आएगा डिवाइड बाय 1 लीटर, तो ये आ जाएगा 0. कितना आएगा? 1.01, यानी कि सी अल्फा प्लस 0.1 करना पड़ेगा। बोलो के हाँ के ना? अल्फा भी क्या होगा जब आप निकालोगे? कम होगा बहुत, और 1 माइनस अल्फा को भी हम क्या मान लेंगे? 1। तो के बी क्या आ जाएगा? 0.1 इंटू
ये आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वही जो मैंने आपको बताया था के बी बाय 0.1, यही तो बताया था मैंने। अल्फा क्या निकल के आ रहा है, के ए हो या के बी हो, अगर बेस होगा तो के बी, एसिड होगा वीक एसिड होगा तो के ए आएगा। डिवाइड बाय किसकी कंसेंट्रेशन आ रही है, कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन आ रही है, कॉमन वही तो निकल रहा है, निकल जाएगा। आपको OH नेगेटिव की चाहिए तो मेरे पास अल्फा आ गया, सी है मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 0.4 मोलर, खत्म कहानी, खत्म कहानी। 7.2 × 10⁵ मैं अपना आंसर दिखा देती हूँ, बिल्कुल ठीक है। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो आएगी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 7.2 × 10⁵, वेरी गुड, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। उसके बाद हम एक केस ले लेते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का, मैंने नहीं लिया है ना अभी तक ऐसा केस, नहीं लिया ना बच्चों, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का केस मैंने नहीं लिया है। चलो देखते हैं, अब देखो जैसे यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल करवाती हूँ, जैसे तुम्हारे पास H2S है, सबको पता है ये वीक एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोलर, और जो के एक, एक मिनट थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखती हूँ, इसके बाद हम आगे करेंगे नया टॉपिक। इसकी जो के ए की वैल्यू दे रखी है बच्चे 1.2 × 10⁻², देख रहे हो कितना वीक एसिड है, बहुत ही घटिया किस्म का एसिड, इतना कम है इसका डिसोसिएशन कौन सा, मतलब बहुत ही क्या बोले, छोड़ो क्या ही बेइज्जती मारे। इसमें तुमने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, जिसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.3 मोलर, ठीक है। आपको क्या निकालना है इसमें, आपको निकालना है इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है, हाँ एसिड के नाम पे कलंक है ये, आपको क्या निकालनी है बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालनी है। तो करते हैं, करें क्या स्टार्ट, ये भी कॉमन आयन वाला ही तो है फिर, ये तो करवा चुकी हूँ मैं शायद, कोई बात नहीं, करें क्या, yes, चलो H2S, क्योंकि मैम आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जहां जहां पे वीक एसिड है मैं हमेशा वो सी वाली इक्वेशन बना देती हूँ, है ना, तो आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2H प्लस और H2 नेगेटिव, देखना बच्चे, ये इनिशियली C है, ये 0, 0, ये C माइनस सी अल्फा, क्योंकि अल्फा किसके लिए डिफाइन होता है, एक मोल के लिए, तो एक मोल में से अगर अल्फा जा रहा है तो C में से कितना जाएगा बच्चों, C अल्फा। यहाँ पे C को मैं कंसंट्रेशन मान रही हूँ, मोल पर लीटर, 1 लीटर मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 2C अल्फा, शाबाश, यही हो जाएगा क्या, चेक करो। मैम फिर से एक और डाउट है, हाँ हाँ बोलो, वो H2S के ऊपर कुछ नंबर होता स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन रेशियो में, तो फिर से बोलो मैम, H2S के साथ में अगर कोई नंबर होता जैसे 2H2S होता तो कैसे लिखते, तो अच्छा ये होता तो उस केस में बच्चे हम क्या करते ना, कोई बात नहीं, होने देते 2H2S, फिर हम उसको पहले तो हमें फिर ये लिखना पड़ता ना बच्चे, फिर तो इक्वेशन ही चेंज हो जाती, फिर होता 4H प्लस और ये क्या बन जाता, ये बन जाता। यस मैम, इसके लिए वो कैसे लिखते कंसंट्रेशन, इसके लिए मान ले बेटा मैंने सी ले ली कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ये हो जाता 0, 0, ये क्या होगा सी माइनस सी अल्फा, क्योंकि जब एक में से अल्फा जा रहा है तो सी में से कितना जाएगा, सी अल्फा, तो ये कितना बनेगा, 2 का डबल बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा, जल्दी बोलो बोलो, 2C अल्फा और ये सी अल्फा। मैम अगर मोल्स का होता तो उसका मल्टीप्लाई करते, हाँ जी बेटा, हाँ मोल्स का होता तो मल्टीप्लाई करते, ठीक है चलो, ओके मैम, कंफ्यूज नहीं होना, दो चार मतलब ऐसे क्वेश्चन कर ले 30-40, अपने आप पता चल जाएगा क्या, अगर मान लो कहीं गलती भी कर लो तो भी पता चल जाए कहाँ किया, ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, जल्दी बताओ मुझे, के ए लिखेंगे, के ए क्या हो जाएगा 2C अल्फा का स्क्वायर, सी अल्फा, सी 1 - अल्फा, देखना मैम प्लस भी तो होगा, हाँ वो मैं बता रही हूँ, वो तो गलती कर दी अपन ने, लेकिन यहाँ पे बच्चे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है,
कितनी कंसंट्रेशन है 0.3, तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या डालू, एक काम करती हूँ यहाँ ही लिखते हैं क्या, लिख लो यहाँ पे हो जाएगा ये, बोलो। यस मैम। अब 2C alpha प्लस 0.3 को अप्रोक्सीमेट 0.3 मारो, लिखो 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेट 1 मानो, कर लोगे क्या अब जल्दी बताओ? यस मैम। करवाने की जरूरत है क्या? नो मैम, कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है जी, ठीक है, ओके। ध्यान से सुनना, अगर किसी बच्चे ने मॉड्यूल को रेफर किया है जो मैंने आई थिंक अपलोड किया हुआ है बिटरी शीट में, किया हुआ है ना तो वहां पे कुछ कुछ टॉपिक, बेटा एच प्लस की कंसर्न, एच प्लस के आगे क्या टू है, तो जब आप के ए लिखते हो तो जो आगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको स्क्वायर में लिखता है ना बेटा, जितना भी आगे, जैसे यहाँ पे टू है तो स्क्वायर लिखोगे, थ्री होगा तो क्यूब लिखोगे, मैम जब SCL टूटेगा तो उसमें तो वन ही बनेगा ना? हाँ मैम, HCL तो टूटेगा उसमें तो वन ही बनेगा। ओके हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा फिर। अब ठीक है? यस मैम। ठीक बोला अनुज ने, किया था नोटिस ये वाली चीज किसी ने? तो मुझे लगा उसमें जाके वो ऐड हो जाएगा तो उसका भी स्क्वायर ही होगा। मैं एचसीएल की इक्वेशन से नहीं करेंगे, मतलब समझी नहीं, मैं एचसीएल की इक्वेशन से क्या नहीं करेंगे बच्चे, ये तो दिया ही हुआ है एचसीएल। आवाज ही नहीं आई मैम को तुम्हारी। मैम मैं लिख के भेजती हूं। हाँ लिख के भेजो, लिख के भेजो। हाँ एक बार ना इसका आंसर निकाल के देख रहा, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन पे कि एक्चुअल में यही था। ठीक है एक बार इसका आंसर, मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, एक बार निकाल के देखना इसका कंसंट्रेशन। ठीक है अभी भी तो उसको अप्रोक्सी मानेंगे ना, फिर भी हम 0.3। हाँ क्योंकि अब तो स्क्वायर हो गया और भी कम आ जाएगी वैल्यू। ठीक है कोई बात नहीं, इस वाले केस को मैं देख के बताऊंगी तुम लोगों को। बाकी अनुज की बात ठीक है कि HCl में एक ही H प्लस है तो उसका स्क्वायर कैसे ले लिया हमने, नहीं ले सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? यस ठीक है चलो ओके। हाँ लिख के भेजो। सृष्टि क्या कह रही थी, HCl की कंसंट्रेशन तो लेनी पड़ेगी इसमें 0.3। मैम इसका आंसर आ रहा है 8 × 10⁻²। यस मम्मी ये आ रही है। ए की वैल्यू आ रही है क्या या एच प्लस की आ रही है? एच प्लस की। कितनी आ रही है? 8 × 10⁻²⁻²। ठीक है मैं, मेरे पास आंसर इसका नहीं है रिपोर्टेड, मैं आप लोगों को बताऊंगी चेक करके फिर। ठीक है जी। ओके हाँ सृष्टि ने एक क्वेश्चन पूछा है, सॉरी क्वेश्चन तो क्या ही पूछा, मैं मतलब H2S को डिसोसिएट करके क्यों किया HCl को? बेटा इधर देखना, जो H2S है वो तेरा वीक एसिड है बेटा, अभी हम यही तो कर रहे हैं इतनी देर से, कहाँ ध्यान है, और HCl स्ट्रोंग है तो यहाँ पे क्या लग रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट लगा है ना। अब आप ये नहीं ले सकते, इसमें आपको ये ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात? आपको अब खाली आप H2S की कंसंट्रेशन नहीं ले सकते, आपको उसमें H प्लस की कंसंट्रेशन भी करनी पड़ेगी ऐड। समझे कि नहीं समझे मैम? या तो ऐसे भी कर लो इसको, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब ले लो यहाँ पे और स्क्वायर कर दो, फिर भी हो जाएगा। हाँ बोलो मैम, ये जो 8 × 10⁻²। हाँ? HCl का भी ऐड होगा ना मैम?
एक सेकेंड, तुम अच्छा तुम ये बोल रहे हो, हाँ हाँ एच प्लस का, हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, जो एच प्लस का आप निकाल लोगे ना वो ये आएगा, टोटल एच प्लस की कंसंट्रेशन ये आएगी ना, ऐसे करके निकाला ना तुम सबने। हाँ जी समझ लो क्या बोल गई मैं, जैसे अनुज बोल रहा है जो H प्लस है, क्योंकि जितने हमने पहले वाले क्वेश्चन ऐसे किए थे उसमें नहीं हो रहा था, उसमें हम सीधे सीधे मस्त मजे से कर रहे थे, लेकिन हाँ अनुज बोलो। मैम सेम मैम यही कह रहा था मैं, हाँ, दोनों ऐड होगा ठीक है वो, हाँ दोनों ऐड होगा बिल्कुल, इसकी कंसंट्रेशन भी और इसकी, क्योंकि आपको क्या बोला एग्जामिनर ने, बोला एच प्लस की कंसंट्रेशन निकाले, तो फिर भैया एच प्लस को हमें इस यहाँ से भी लेना पड़ेगा और ये वाली भी लेनी पड़ेगी, ठीक है ओके कोई नहीं एक बार देख भी लेंगे। हाँ लेकिन जब आप टोटल एच प्लस निकालोगे तो ध्यान रखना इसका एच प्लस, इसका एच प्लस दोनों को लेंगे। सृष्टि तुम भी यही पूछ रही थी क्या? यस मैम। अच्छा आई होप अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है एक बार फटाफट से रिवाइज करवाऊं या ठीक है। पीएच हमने कितने कितने कैसे कैसे कर लिए, कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चन कैसे आते हैं पता लग गया ना, वीक एसिड या वीक बेस में अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो उसका अल्फा क्या हो जाता है बच्चों, और ज्यादा सप्रेस हो जाता है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो ट्राई करना ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से आप कर लो, करना वही है पहले एनसीईआरटी देन आपके नीट के पीवाईक्यूज, और जो जेई के दो बच्चे आते हैं मेरे पास वो भी पहले क्या करेंगे बेटा जे क्या बोलते हैं उसको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, देन आप उसके जेई के पीवाईक्यूज, समझ रहे हो ऐसे करना आप लोगों, ठीक है ओके चल। तो यहाँ पे अपना जो है बेटा कॉमन आयन इफेक्ट फिनिश होता है, ठीक है इसके मैं नोट्स जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जो अपन ने किया है। आज जो मुझे आप लोगों को कराना था अपना वो नेक्स्ट टॉपिक है सोल्ट हाइड्रोलिसिस, क्या है बच्चा सोल्ट हाइड्रोलिसिस, देखो नाम से ही पता चल रहा है सोल्ट हाइड्रोलिसिस, क्या समझते हो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, पानी पानी आएगा है ना, लिसिस का मतलब क्या है टूटना टूटना, ठीक है और मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा सोल्ट जो है वाटर के साथ क्या करने वाला है रिएक्ट करने वाला है, ठीक है अच्छा अब चलते हैं आगे कैसे पहचानोगे, क्योंकि यहाँ पे ना पहचानना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है बेटा हम लोगों के लिए, अब टाइम अभी है ना अपने पास टाइम, चलो ठीक है तो अभी अपन बेसिक कर लेते हैं सोल्ट हाइड्रोलिसिस का और बाकी हम कल कर लेंगे विद क्वेश्चन, इसको फिनिश कर देंगे कल, ठीक है सुनो अब हम कैसे पता लगाएंगे बच्चे कि हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो किसका आया है, सोल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन आया है, ये हमारे लिए चैलेंजेबल है ना। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे पास एसिड और बेस दिया हुआ है, अब वो कोई भी एसिड बेस हो सकता है स्ट्रोंग एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन, मतलब अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से आप लोगों को बताऊं तो इसमें क्या होगा, एक स्ट्रोंग एसिड का कॉम्बिनेशन होगा और एक वीक का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब एक स्ट्रोंग का कॉम्बिनेशन होगा और एक वीक का कॉम्बिनेशन होगा, अब वो स्ट्रोंग एसिड भी हो सकता है बेस भी हो सकता है, वीक एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है, मतलब एक तो वीक मिलेगा मिलेगा, अगर उनको आपने इक्वल अमाउंट में मिक्स किया है तो वहां पे सोल्ट हाइड्रोलिसिस वाले फॉर्मूले लगेंगे, अगर मान लो दोनों को आपने डिफरेंट अमाउंट में मिक्स किया है तो वहां पे कौन सा लगता है बफर सॉल्यूशन वाला जो कंसेप्ट है जो कि हमारा सोल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे, यानी कि आज हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा बच्चों, फर्स्ट वाले पॉइंट पे, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है चलो अब मैं आपको पहले तो पहचानना सिखाऊंगी कि कैसे आपको पता लगेगा कि किसका सोल्ट दिया हुआ है, ठीक है तो पहले हम अपना बेसिक क्लियर करेंगे, फिर यहाँ पे डेरिवेशन है टोटल 9 डेरिवेशन है, पेपर में नहीं आती है डेरिवेशन टेंशन मत लो, और 9 फॉर्मूलाज बनेंगे, नहीं सो सॉरी डेरिवेशन कितनी है 3, और जिससे कितने फॉर्मूले जनरेट होंगे अपने 9 फॉर्मूलाज, आज तो नहीं हो पाएंगे सारे क्योंकि अभी टाइम थोड़ा कम बचा है, ठीक है चलो पहले हम समझते हैं कौन कौन से टाइप के सोल्ट है, इधर ध्यान से सुनो बच्चे, सोल्ट प्लस वाटर आपको पता है बेटा एसिड प्लस बेस, इधर देखो
एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं? सोल्ट बनाते हैं, सोल्ट और पानी। यस मैम। अगर मान लो सोल्ट और पानी मिल के वापस से एसिड और बेस बना ले, उसी सोल्ट का क्या होगा? बस हाइड्रोलिसिस होगा। क्या बोल गई मैं आपको? बताया एसिड प्लस बेस से अपन को सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। अगर सोल्ट प्लस वाटर भी वापस एसिड और बेस बना ले तो वहां पे हम क्या करेंगे? सोल्ट हाइड्रोलिसिस पड़ेंगे। ठीक है जी। क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, कौन कौन से सोल्ट आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे वो हम देखते हैं। ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस का सोल्ट। किसका है? चैट बॉक्स में डालो। वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस का सोल्ट, यानी कि बेस क्या होगा? स्ट्रोंग होगा, है ना। जैसे मान लो NaOH है, तो इसमें से कौन सा कैटायन आया? Na आया, मतलब बेसिकली स्ट्रोंग बेस हो। KOH है, K प्लस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये किस क्या हो गया? ये सारे स्ट्रोंग बेस से आए हैं। बोलो हाँ या ना। यस यस। ठीक है, चलो। यानी कि इसके साथ जो एसिड रहा होगा वो कौन सा रहा होगा बच्चों? वीक एसिड रहा होगा। ठीक है, चलो। एक बार दूसरा है स्ट्रोंग एसिड और वीक बेस। ये देखो NO3 कहाँ से आया होगा? HNO3 से आया होगा। Cl नेगेटिव कहाँ से आया होगा? HCl से आया होगा। SO4 2 नेगेटिव कहाँ से आया होगा बच्चों? H2SO4। यानी कि कॉम्बिनेशन किसका है? अगर ये स्ट्रोंग एसिड है तो इसके साथ कौन सा होगा? वीक बेस। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस। अब Na जिसमें Na भी NaOH से आएगा, K प्लस KOH से, NO3 HNO3 से, Cl नेगेटिव HCl, SO4 2 नेगेटिव H2SO4। यानी कि ये वाले किसके का, ये वाला जो सोल्ट है वो किसके कॉम्बिनेशन से बना है? स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस, स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो वो किसका कॉम्बिनेशन में आ जाएगा? वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस। कुछ एग्जांपल करें, एक छोटू सा टेस्ट ले लो तुम लोगों का, आ जाओ। क्योंकि ना बेटा ये पहचानना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने ये नहीं पहचाना ना फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमें ना समझ में ही नहीं आएगा कि किसके क्वेश्चन हम लगा रहे हैं। जैसे इधर NH4NO3, तो ये किसका कॉम्बिनेशन होगा? ये सोल्ट है, ये सोल्ट है सारे, है ना। तो ये किसका कॉम्बिनेशन होगा? वीक बेस वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। शाबाश, प्राउड ऑफ यू। ये किसका होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। शाबाश। ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वाला वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे है? स्ट्रॉन्ग बेस। शाबाश। ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। क्योंकि ये कैल्शियम कहाँ से आओगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और ये CO3 कहाँ से आओगा? आपका वीक एसिड कार्बोनिक एसिड। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बस खत्म। लो, खत्म कर दिया तुमने। ये तुम पहचान रहे हो कि सोल्ट जो है कि कौन से मिक्सचर से मिलकर बना है। बस फिर तो हो गया, फिर तो कर लोगे तुम लोग सब कुछ। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए रखा 6 नंबर का, क्योंकि मतलब 6 क्वेश्चन इसमें इसलिए रखे सो देट तुम पहचान पाओ। अगर तुम्हारे आगे कोई सोल्ट लिखा हुआ है पप्पू से, अभी रुक जा रुक जा रुक जा, ये जो पप्पू बोल रुक जा, तू तेरे से करवाऊंगी सारे क्वेश्चन। मतलब तुम्हारे आगे आगे कोई सोल्ट लिखा मिले तो तुम पहचान पाओ वो किसका किससे मिलके बना है। क्योंकि जब तुम्हें ये पता होगा ना किससे मिलके बना है, इसके करस्पोंडिंग अलग अलग फॉर्मूले डिराइव करवाऊंगी मैं अभी तुम लोगों को। समझे कि नहीं समझे? यस। चलो चलें आगे। चलो सबसे पहले है एक डेरिवेशन करा देती हूँ आज बस, है ना, क्योंकि एक से तुम्हें ना तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारी वैसे की वैसी है। ठीक है, तो एक करा देती हूँ, कल जब क्लास में आओगे तो इस एक को रिवाइज करके आना। फिर कल पूरा सोल्ट हाइड्रोलिसिस विद क्वेश्चंस में आप लोगों को खत्म करवा दू। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। सबसे पहला है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब पेपर में अगर हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन आया सोल्ट हाइड्रोलिसिस से, तो वो लिख के नहीं देगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट, वो कंफ्यूज करेगा आपको, बताएगा नहीं कि सोल्ट हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन है, वो आपको कंफ्यूज करेगा कि कहीं इसमें कॉमन आयन इफेक्ट तो नहीं लग रहा, कहीं इसमें बफर सोल्यूशन वाला तो नहीं लग रहा। समझे कि नहीं समझे हो? चलो चलो, अभी हम फिलहाल जो करने आए हैं वो करते हैं।
तो बच्चे अब हम क्या ले रहे हैं, सोल्ट किसका ले रहे हैं, स्ट्रोंग एसिड और वीक बेस का, स्ट्रोंग एसिड और वीक बेस का, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, जनरल फॉर्म में मैं लिख रही हूँ। अच्छा कोई मुझे एग्जांपल बताएगा स्ट्रोंग एसिड और वीक बेस का, NH4Cl? इधर आना, एक बार NH4Cl का कराना डिसोसिएशन, तो क्या होगा, NH4+ क्या होगा, Cl नेगेटिव, H प्लस और OH नेगेटिव, यही होगा ना? Yes, ma'am. अब मेरी बात सुनना ध्यान से, चलो वाटर एज अ बेस रिएक्ट करो ना, वाटर हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो वाटर लिए, ये तो आपका स्ट्रोंग है, ये वीक होगा फिर इसके कंपैरिजन, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, मैं नहीं चाहती आप 1% भी कंफ्यूज हो, आ जाओ स्ट्रोंग एसिड और वीक बेस, इसका एग्जांपल ध्यान रखना NH4Cl, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या लिया है, जनरली आप ये मैं आपको कैसे करा रही हूँ, जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, इससे क्या होगा ना, कई बच्चे होते हैं मैम बुक में ऐसे दिया हुआ है हमें कंफ्यूजन हो रही है, तो मैंने वही बुक वाला तरीका अपनाया है, मतलब जो बुक्स में दिया हुआ है वैसे अपने तरीके में वैसी वाली डेरिवेशन कराऊंगी। इधर देखो, ये क्या बेटा तुम्हारा सोल्ट है, ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, पानी है, इससे क्या मिलके बना है, देखो ना एसिड और बेस मिलेगा। अब आपको एसिड कौन सा मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, ये रहा HX, और बेस कैसा मिल रहा है, वीक मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। अब सोल्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग ही होगा ना, अगर एक भी स्ट्रॉन्ग किसी से आया है वो एसिड या बेस, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसको मैं कैसे लिखूं, ये तो पूरा डिसोसिएट कर जाएगा, देखना इसको मैं कैसे समझाने की कोशिश करूंगी, और वॉटर को ऐसे ही रहने दो। अब वीक बेस है, ये भी पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होगा, इसको ऐसे लिखो, ये भी हो जाएगा H प्लस और X नेगेटिव, देखना एक बार, इतना समझ में आया तुम लोगों को? Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा एक नंबर का। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना, कुछ कैंसिल आउट हुआ, यस मैम ये हो गया, तो आपके पास क्या बचा, एम प्लस एच टू ओ एम ओ एच प्लस एच प्लस, देखना। Yes, ये नहीं आया, क्या नहीं आया बेटा ये बता मैम, आपने जो खोल के लिखा है इसको, बेटा सोल्ट है ना स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग वाला पूरा डिसोसिएट होगा, तो मैंने इसको इस टर्म्स में लिख दिया, एम प्लस प्लस एक्स नेगेटिव, लिख सकती हूँ ना, पहले कैटायनिक वाला पार्ट लिखता है फिर एनायनिक वाला पार्ट लिखते हो, समझ गया है ना। चलो ओके, तो अब यहाँ पे इधर आओ, इधर आओ, आपका ये पूरा सोल्यूशन आपको कैसे दिख रहा है, एसिडिक दिख रहा है क्या, पूरा सोल्यूशन, टोटल सोल्यूशन एसिडिक सोल्यूशन दिख रहा है, क्योंकि देखो H प्लस आयन रिलीज हो रहा है। ठीक है, और बात भी ठीक है, बात भी ठीक है, हमने कॉम्बिनेशन किसका लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, यानी कि यहाँ पे कौन भारी पड़ रहा है, कौन डोमिनेंट है एसिड, तो पूरा सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था एक बार नीट में, हो चाहिए, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से सुनना, हम क्या लिखते थे, जब हम एसिडिक, जब मैंने आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको एसिड के केस में सिखाया था, हम के लिखते थे, बेस के केस में के भी लिखते थे, हाइड्रोलिसिस के केस में क्या लिखेंगे, के एच लिखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, क्योंकि याद करो के ए की हम बात कब करते थे, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग वीक एसिड होता था, याद करो, केबी की बात कब करते थे, जहां पे वीक बेस हो, ऐसे ही हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट में भी हम क्या बात करेंगे, देखो बार बार वीक बेस की चर्चा करेंगे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम खुद देखोगे जहां पे वीक वीक होगा वही फॉर्मूले में टांगड़ आएगा, मतलब वही डेरिवेशन में आएगा, अभी दिखाती हूँ तुम्हें। के एच लिखो बेटा इसका, के ओ एच कैसे लिखूंगी, एमओ एच की कंसेंट्रेशन, एच प्लस की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय एम प्लस की कंसेंट्रेशन, देखना एक बार, H2 की तो कांस्टेंट होगी, ये तो मेरे बच्चों को पता है। मैम KH, यस मैम, हां जी बोलो तनिष्का। मैम ये KH किसके लिए, KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है बेटा। ओके, ठीक है। अच्छा क्या तुम लोगों को ये भी पता है KW क्या होता है, KW क्या होता था हमारे पास, हाइड्रोनियमाइन की कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन, क्या ये फॉर्मूला पता है ना? Yes, तो होना चाहिए क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा देखो बच्चे,
अब मुझे किससे मतलब है, वीक बेस से मतलब है, क्योंकि जहां हाइड्रोलिसिस ये सारे कॉन्स्टेंट वगैरह किन के लिए डिफाइन होते हैं, वीक के लिए डिफाइन होते हैं, तो यहाँ पे मुझे किससे मतलब होगा, वीक बेस से मतलब होगा। तो मैंने वीक बेस का डिसोसिएशन इस तरह से लिख लिया, देखना सही लिखा है क्या? Yes, ma'am. तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगी, के बी लिखूंगी, एम प्लस ओ एच नेगेटिव डिवाइड बाय एम ओ एच, देखना एक बार ठीक लिखा है। Yes, ma'am. ठीक लिखा बच्चे। अब एक काम करो, जो आपके पास के एच था वो और के बी है, इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कि आप लोगों के पास क्या आ रहा है फाइनल। के एच ये रहा, के बी ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कि क्या आ रहा है, जल्दी करो। पीछे वाली स्लाइड करने वाला, ये लो ये लो। मैम के डब्ल्यू, के डब्ल्यू, शाबाश। क्या आ रहा होगा, के डब्ल्यू आ रहा होगा। समझे कि नहीं समझे? यानी कि अगर मैं यहाँ से के एच निकालू, हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट निकालू, जैसे एसिड के लिए एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होता था, इसके लिए हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट होगा, तो ये क्या आएगा, के बी। समझे कि नहीं समझे? yes. तो यानी कि के एच आ गया के डब्ल्यू बाय के बी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। इसके बाद हमारा स्टेप होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना। याद करो, हम वीक एसिड में, वीक बेस में क्या करते थे बच्चे, अल्फा यूज करते थे। अब हम सोल्ट के केस में क्या यूज करेंगे, एच यूज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस मैम। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में कितना है, सी है, ये जीरो जीरो है, ठीक है। तो ये अल्फा किसके लिए डिफाइन होता था, एक मोल के लिए, कि एक मोल में से अल्फा निकलेगा। ऐसे ही एक में से कितना निकलेगा, एच निकलेगा, तो सी में से कितना निकलेगा, कितना बनेगा, CHCH। तो यहाँ पे KH क्या लिखूंगी बच्चों, सी स्क्वायर एच स्क्वायर सी वन माइनस एच। इसमें भी मैं यही बोलूंगी वन माइनस एच अप्रोक्सीमेट वन होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एच स्क्वायर, यानी कि एच क्या आ जाएगा, के एच बाय सी। वहां पे क्या आ रहा था, अल्फा इज इक्वल टू के ए बाय सी इन केस ऑफ एसिड। बेस में क्या आ रहा था, के बी बाय सी। समझ रहे हो, चीजों को समझ रहे हो बच्चों? yes, ठीक है, तो हाँ सेम सेम है, तभी तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे। के एच की वैल्यू मैं यहाँ से क्या निकाल के आई, के डब्ल्यू बाय के बी, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो के डब्ल्यू बाय के ए सी। ये फॉर्मूला सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है, एक ये वाला और एक आपका ये वाला के बी सी, सॉरी। डिवाइड में क्या आएगा, जो भी आप इधर देखो, आप अगर वीक बेस ले रहे हो तो डिवाइड में के बी आएगा, अगर आप वीक एसिड ले रहे होते जो कि आगे मैं करवाऊंगी कल, वहां पे क्या आता, फिर के ए आता। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इतना क्लियर है सभी बच्चों को? अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, ये मैंने शायद पहले लिखवाया नहीं था बट बता ऑलरेडी चुकी हूँ। अगर हमारा के एच वाय सी 10 की पावर माइनस 3 से कम आए, कम बोले तो 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 6, तो हम उसमें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, जैसे उसमें भी हम अल्फा इज इक्वल टू के बाय सी का अंडर रूट लगा देते थे, याद करो। अगर 10 की पावर 3 से ज्यादा है तो भैया एच ई वन हो जाएगा, है ना, मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, फिर तो कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन अगर मान लो 10 की पावर माइनस 3 से 3 के बीच में हो, तो हम वहां पे क्या करते हैं, इसको इग्नोर नहीं करते हैं, फिर हम वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। लेकिन मैं कहूंगी फॉर नीट आप लोगों को ये नहीं याद रखना है, तुम लोगों के लिए आसान कर दी मैंने। मैम अगर 10 की पावर माइनस 3 या 10 की पावर 3 आ जाए, 10 की पावर माइनस 3 कोई बात नहीं, जो भी आ जाए नीट में, तुम्हें इससे ही सवाल सोल्व करके आना है, पहले वाली इक्वेशन से। ये आएगा ही नहीं, आता ही नहीं है नीट, लेकिन बच्चों के दिमाग में कई बार जाता है, अगर इनके बीच में टपक जाए तो क्या करें, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर हमें बनानी पड़ती है, नेगलेक्ट नहीं कर सकते हम, 1 माइनस एच को 1 के बराबर नहीं मान सकते, ठीक है। यहीं पे ही तुम्हारे 99.999% क्वेश्चन यहीं सोल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। क्या इतना आ गया हमारे पास? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर देखो,
पीएच निकालेंगे, पीएच क्या होता है, माइनस लोग ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे बच्चों देखना, सी एच ठीक है। और एच क्या था, एच क्या है मेरे पास, के डब्ल्यू बाय के बी सी। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, के डब्ल्यू इंटू के सी बाय के बी, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना सी को, देखना अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट सी, तो ये अंडर रूट सी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा। देख पा रहे हो बच्चे? यस मैम। ठीक है, अब पीएच कैसे निकालोगे, पीएच निकालोगे माइनस लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम। और ये भी ध्यान रखना, कोई बात नहीं, सारा करवा के कंपाइल करा दूंगी और बताऊंगी भी सी कौन कौन से फॉर्मूले तुम्हें इंपॉर्टेंट रखने जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो माइनस लोग ऑफ हाइड्रोनियम तो सी आ जाएगी, आ जाएगा आपके पास हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन, मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, के डब्ल्यू इंटू सी बाय के पी। ठीक है, तो बस, तो क्या करें फिर हम, देखो इधर माइनस लोग ऑफ के डब्ल्यू इंटू सी बाय के बी की पावर 1/2, देखना एक बार। yes, तो अब मैं क्या करूंगी, पावर को मैं आगे ले आऊंगी, ले आती हूँ मैम, लॉग ऑफ क्या लिखूं, के डब्ल्यू प्लस लॉग ऑफ सी माइनस लॉग ऑफ के बी। बताओ कैसे लिखा, ये सबको समझ में आया? yes, क्या कि मैंने लॉग एम एन का लगा दिया फॉर्मूला और ए बाय बी का लगा दिया। अब देखो यहाँ पे हाफ रहने दो, माइनस लोग ऑफ के डब्ल्यू किसके बराबर होता है, पीके डब्ल्यू के बराबर होता है ना, बताया तो था पीके डब्ल्यू क्या होता है, माइनस लोग ऑफ के डब्ल्यू, भूल गए क्या? yes, sir. और ये क्या हो जाएगा, माइनस लोग सी, बोलो। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, माइनस पीके बी, क्योंकि माइनस लोग ऑफ के बी क्या होता है, पीके बी होता है और माइनस बाहर था, तो मैंने यहाँ, बताओ समझ में आया कि नहीं है, दोबारा सुनो, इसमें तो पहले से ही माइनस था, माइनस लॉग के बी में। यानी कि जनरली मैं क्या करती हूँ, अब बच्चों को इस केस में पीएच पे मैं आने ही नहीं देती, मैं कहती नहीं कि पीएच का ये तुम फॉर्मूला याद रखो, हालांकि मैं तुम्हें कहती हूँ कि एच प्लस का ध्यान रख लो, अगर तुम्हें एच प्लस का याद है, हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन निकालने आती है, मान लो एग्जामिनर ने पीएच पूछ रखा हो तुमसे, तो क्या करोगे, दोनों तरफ लोग ले लो, जरूरी थोड़ा है तुम्हें पीएच का इतना बड़ा फॉर्मूला रट्टा मारना है, हाँ या ना? अगर तुम्हें एच प्लस का भी फॉर्मूला पता है तो क्या उससे तुम पीएच नहीं निकाल सकते क्या, माइनस लोग ऑफ हाइड्रोनियम आयन एच प्लस निकाल लो, पीएच हमें पता है। मैं आपको पीएच का फॉर्मूला भी याद करना सिखाऊंगी, अगर आपके पास बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का है कॉम्बिनेशन, तो वहां पे सारे नेगेटिव जाते हैं, वहां पे एसिड की अमाउंट ज्यादा है, सौरे के सौरे, पीके डब्ल्यू तो एज इट इज रहेगा, माइनस लोग सी माइनस पीके बी, और वीक बेस है जहां पे जो चीज वीक होती है उसी का हम डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट लेते हैं, याद करो ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, तभी तो फॉर्मूले में देखो ना क्या आया, एच इज इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू बाय के बी सी, ठीक है, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाय के बी, और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन में क्या आया, वीक बेस था तो नीचे टपक गया। अभी तो तुम्हें ये याद नहीं होगा, ये तुम्हें याद फीलिंग फील तब आएगी इस पूरे टॉपिक की, जब मैं तुम्हें नो के नो फॉर्मूले लिखवाऊंगी, क्योंकि तुम क्या करोगे फिर एक पैटर्न देखोगे, तुम एक पैटर्न देखोगे, अभी मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही डेरिवेशन कराई तो तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग देगी, तो बस तुम्हारा काम क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाओ, लगा सकते हो तो जितने, और जो ये मैंने एक डेरिवेशन कराई आज आपकी नोटबुक में वो होनी चाहिए। फिर बोल रही हूँ, अगर आपको, अगर आप